नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राठौर आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 9 अक्टूबर सोमवार का बुलेटिन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। एबीवीपी का हल्ला बोल, कंट्रोल रूम घेरा, आचार संहिता लागू, उतरने लगे पोस्टर बैनर, गुम मोबाइल मिले तो चेहरे खिले, लूट की योजना बनाते पकड़ाए भैयू, भूरू, कल्लू, गुड्डू, अप्पू और यासीन। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। शालिग्राम छात्रावास में रहने वाले छात्रों को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और बाहरी तत्वों द्वारा धमकाने और माधवनगर थाने में शिकायत करने पर सीएसपी द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला सोमवार को गर्मा गया। एबीवीपी के बैनर तले हॉस्टल के छात्रों ने हल्ला बोल दिया। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पर जमकर प्रदर्शन किया और सीएसपी के निलंबन की मांग की। दरअसल शालिग्राम हॉस्टल के छात्र एबीवीपी के छात्र नेता आदर्श चौधरी के नेतृत्व में सोमवार दोपहर रैली के रूप में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे थे। इस दौरान स्टूडेंट्स और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख एएसपी जयंत राठौर और गुरु प्रसाद पाराशर ने आक्रोशित स्टूडेंट से बात की। छात्र नेता आदर्श चौधरी ने बताया कि रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और बाहरी तत्व शालिग्राम हॉस्टल में चाकू लेकर घुसे और कुछ छात्रों को धमकाया। इसकी सूचना जैसे ही एबीवीपी को लगी तो वह भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बाहरी तत्व भाग चुके थे। इसके बाद छात्र रात करीब 1 बजे दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आवेदन देने माधवनगर थाने पहुंचे, लेकिन यहां सीएसपी सुमित अग्रवाल ने उनसे ही अभद्रता की। ऐसे में उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए। इस पर एएसपी जयंत राठौर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हम ये मांग कर रहे हैं कि एक तो दोषियों पे कार्रवाई हो, साथ ही जो बर्ताव सुमित और सीएसपी एक प्रमुख दायित्व पे होने के बावजूद जो उन्होंने बर्ताव किया और छात्रों के साथ गाली गलौज की, उस पे हम उनके निलंबन की मांग करते हैं। कुछ स्कूली छात्र भी आपके साथ आए हुए हैं किस तरह? विद्यार्थी परिषद, स्कूल, कॉलेज सभी दूर काम करता हम। विद्यार्थी परिषद छात्रों की आवाज़ है, जब जब छात्रों पर अन्याय होगा विद्यार्थी परिषद रोड पर उतरेगा। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में सोमवार को चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन भी अलर्ट हो गया। सोमवार दोपहर नगर निगम की 6 टीमें शहर के अलग अलग हिस्सों में सरकार की योजनाओं को लेकर राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगाए गए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाने में जुट गई। कुछ ही देर में उन्होंने पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटा दिए। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 संपन्न होने वाले हैं। उक्त संपन्न होने वाले निर्वाचनों के संबंध में आदर्श आचरण संहिता आज से प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के उपरांत नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत 6 जोनों में 6 टीमों का गठन किया जा करके शासकीय संपत्तियों से, अर्धशासकीय संपत्तियों से और निजी संपत्तियों से संपत्ति विरूपण की कार्रवाई करते हुए बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाए जाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। की गई कार्रवाई के जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को MCC-1 और MCC-2 फॉर्मेट में निर्धारित समय सीमा में भेजी जाने की कार्रवाई नगर पालिका निगम उज्जैन के द्वारा की जा रही है। इधर प्रशासनिक संकुल में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में सोमवार शाम स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक भी हुई। इसमें बताया गया कि उज्जैन जिले में 15,36,756 कुल वोटर हैं। इसमें 7,76,495 पुरुष और 7,60,189 महिला वोटर हैं। इसके अलावा 72 थर्ड जेंडर भी हैं। कलेक्टर ने कहा कि आचार संहिता 5 दिसंबर तक प्रभावशाली रहेगी, जिसका पालन सभी को करना होगा। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होते ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने होते हैं, जो आज कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के जारी कर दिए गए हैं। संपत्ति विरूपण के आदेश जारी कर दिए गए हैं और कार्रवाइयाँ शहर में और पूरे जिले में लगातार चल रही है। सस लाइसेंस के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी है। स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी बैठक में ये निर्देश के परिपालन में सस लाइसेंस जमा करने के आदेश जारी कर दिए गए। सभी जो शासकीय कर्मचारी विभिन्न जनप्रतिनिधियों के यहाँ नियमों के तहत सहायक का काम कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया है, आदेश जारी कर दिया गया। चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान हो।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। पुलिस कंट्रोल रूम सोमवार को ऐसे लोगों की मुस्कुराहट से आबाद था जिन्हें उनके गुम मोबाइल पुलिस सौंपने वाली थी। आज छोड़ चुके शहरवासियों के हाथों में जैसे ही मोबाइल पहुंचे तो उनके चेहरों पर मुस्कान तैर गई। सभी ने पुलिस को धन्यवाद दिया और रवाना हो गए। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम में SP सचिन शर्मा ने गुम मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाने की शुरुआत की। इस दौरान 26 लाख रुपए के 131 मोबाइल लौटाए गए, जिससे लोग भी काफी खुश नजर आए। इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कप्तान ने बताया कि काफी समय से गुम मोबाइल ढूंढने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत IT, साइबर क्राइम और शहर व देहात थानों की टीम ने गुम हुए 131 मोबाइल खोज निकाले और 6 मोबाइल चोरों को भी पकड़कर न्यायालय में पेश किया। आपको बता दें कि इससे पूर्व पुलिस 22 लाख रुपए कीमत के 104 मोबाइल लौटा चुकी है। आप सभी से अपील यही है कि मोबाइल को बड़ा सावधानी के साथ रखा करें, जानकारी के साथ रखा करें, क्योंकि जब ये होता है तो इसको रिपोर्ट किया करें, कोई ना कोई आवेदन किया करें, या इन्हें जिसमें रहता है वो ले करें, क्योंकि कभी भी ये गंभीर अपराध में इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसी जानकारी आपके फोन के बारे में जरूरी। अभी तक लगभग 200 से तो मोबाइल है जो हम लोग लगा चुके हैं। सभी से अपील यही है कि अपने फोन पर सावधानी करें, जिससे कि ये ना। इस्कॉन मंदिर के पीछे से माधवनगर पुलिस ने हथियार लेकर बैठे 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चाकू, टामी, मिर्च पाउडर भी मिला है। सभी के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। दरअसल पुलिस गिरफ्त में आए बदमाशों के नाम शहनवाज उर्फ भैयू खान निवासी राम प्रसाद भार्गव मार्ग, फिरोज उर्फ भूरू शाह निवासी बेगमबाग पक्की कॉलोनी, शोएब उर्फ कल्लू निवासी अंडा गली, यासीन खान निवासी कमरी मार्ग, मोहम्मद रफीक उर्फ गुड्डू पठान निवासी अंडा गली और शादाब उर्फ अप्पू निवासी अंडा गली है। सभी इस्कॉन मंदिर के पीछे झाड़ियों में बैठकर महाश्वेता नगर के बंगलों में लूट की योजना बना रहे थे। इनके पास से कार भी जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और अब खबरें दे दनादन। शिप्रा में बाढ़ आए काफी दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक चक्र तीर्थ पर गाद फैली है, जिसे शमशान आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाद के बीच ही उन्हें अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का समापन वन मंडल के कॉन्फ्रेंस हॉल व्रतत कार्यालय में हुआ। इसमें वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत आयोजित निबंध, चित्रकला, भाषण, रंगोली आदि प्रतियोगिताओं में विजेताओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संतों के सम्मान कार्यक्रम के तहत भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने मक्सी रोड स्थित स्वस्तिक पीठ अवधेश धाम पर डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज का सम्मान किया और उन्हें भाजपा की सदस्यता प्रदान की। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।